दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये महिला घाट है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में इस समय श्रद्धालु आए हुए हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है। तो आप देख ही सकते हैं कितनी अधिक आपको यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही होगी। और अभी हम संपूर्ण हर की पौड़ी भी घूमेंगे, तो वीडियो बने रहे दोस्तों। दोस्तों आज एक बार फिर से हम आ चुके हैं माँ गंगा के दर्शन के लिए हर की पौड़ी पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं माँ गंगा की बहती जलधारा को। और आज हम हर की पौड़ी के दर्शन करने वाले हैं, आज है 5 दिसंबर। दोस्तों हर की पौड़ी चलने से पहले यहाँ का मार्केट घूम लेते हैं, जिसका नाम है मोती बाज़ार, और ये काफ़ी अच्छा और सुंदर मार्केट है। तो इसी को निकलते हुए चलते हैं हर की पौड़ी के पास। दोस्तों हर की पौड़ी पर चलें, उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही पास वाले बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह हरिद्वार और ऋषिकेश की जानकारी लाता रहता हूं। दोस्तों मैं हाथी वाले पुल के पास से मोती बाज़ार में एंटर हो रहा हूँ, और यहीं से लेकर हर की पौड़ी तक का सफ़र हम तय करेंगे। दोस्तों इस समय मैं हूँ मोती बाज़ार में, और आपको यहाँ पर सभी प्रकार की दुकानें मिल जाएंगी, माला की, चूड़ी की, कंठी, कैनी, और खाने पीने की भी यहाँ पर विशेष सुविधाएं हैं, और सभी प्रकार की इस मार्केट में आपको दुकानें मिल जाएंगी। तो आप देखते रहिए, आपको आज मैं यहाँ की मोती बाज़ार की मार्केट घुमाने वाला हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे हर की पौड़ी पर माँ गंगा के दर्शन के लिए, और वहाँ का ताज़ा हाल भी जानेंगे और कितने श्रद्धालु हैं। दोस्तों अभी सुबह का समय है, इसलिए आपको मार्केट में कुछ ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आएगी, और आप देख सकते हैं अभी कुछ ही श्रद्धालु आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाएगा श्रद्धालुओं की भीड़ भी इस मार्केट में होती चली जाएगी। और इस मार्केट के अंदर आपको सबसे ज़्यादा माला चूड़ी की दुकानें नज़र आएंगी, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सबसे अधिक दुकानें नज़र आ रही होंगी, और यहाँ पर वूलन की दुकानें और बर्तनों की दुकानें, तांबे के, पीतल के सभी सामान यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर खेल खिलौने, पत्थर के सामान, शीशे सभी, और धार्मिक पुस्तकों की दुकान भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस दुकान से आप सभी पत्थर का कोई भी सामान ले सकते हैं, चकला, बेलन, दवात, कुछ भी, लेकिन फिर भी आपको सबसे अधिक यहाँ पर प्रसाद की और माला चूड़ी की दुकानें मिलेंगी, क्योंकि बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो अपने परिजनों के लिए बांटने के लिए माला वगैरह लेते हैं, तो इसलिए इस मार्केट में सबसे अधिक आपको मालाओं की दुकान नज़र आएंगी। और यहाँ पे नग नगीने मोती भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए इस मार्केट का नाम है मोती बाज़ार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सबसे फेमस दुकान है गोपाल जी पेड़े वाले की, और यहाँ पर समोसा, सभी खाने पीने की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और अब हम कुछ ही दूरी पर हैं हर की पौड़ी के, और कुछ ही देर बाद हम हर की पौड़ी पर भी पहुंच जाएंगे। आज संडे है दोस्तों, तो इसलिए हर की पौड़ी पर मुझे लगता है काफ़ी भीड़ हमको मिलने वाली है। और आप कमेंट करके बताते रहें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और आप अगर विस्तार में मोती बाज़ार देखना चाहते हैं तो मैं अलग से भी इसकी एक वीडियो बना दूँगा, ताकि आप यहाँ का बाज़ार अच्छे से घूम सकें। दोस्तों यह है ब्रजवासी मिष्ठान भंडार, और यहाँ पर आपको शुद्ध देसी घी से निर्मित सभी मिठाइयाँ मिल जाएंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर तरह की भगवान की तस्वीरें, फ़ोटो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हर की पौड़ी का गेट है ये, और अब हम हर की पौड़ी पहुंच चुके हैं और कुछ ही दूरी पर यहां से हर की पौड़ी आपको नज़र आ रही होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हर की पौड़ी की सबसे फेमस दुकान है मोहन जी पूरी वाले, आपने सुना भी होगा। दोस्तों ये गंगा सभा की ओर से निःशुल्क जूता स्टॉल है जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय मैं हर की पौड़ी पर आ चुका हूँ और अब आप यहाँ पर सुंदर दृश्य देख सकते हैं हर की पौड़ी का, कितना सुंदर यहाँ का इस समय नज़ारा है। और संडे होने की वजह से आज और दिन के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अभी हम चलेंगे ब्रह्मकुंड और महिला घाट की ओर और वहाँ की भी चल के जो दृश्य आज के हैं उनको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं आज काफ़ी ज़्यादा आपको भीड़ यहाँ पर नज़र आने वाली है। ये आप देख सकते हैं हर की पौड़ी पे कुछ यहाँ पर पेंटिंग बनी हुई है, वॉल पेंटिंग, और देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पर पेंटिंग है। और आज हर की पौड़ी पर रस देख सकते हैं कितना अधिक है क्योंकि आज संडे का दिन है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये महिला घाट है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में इस समय श्रद्धालु आए हुए हैं क्योंकि आज संडे का दिन है, तो आप देख ही सकते हैं कितनी अधिक आपको यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही होगी। और अभी हम संपूर्ण हर की पौड़ी भी घूमेंगे तो वीडियो बने रहे दोस्तों। दोस्तों मैं एक बार फिर से चलता हूँ संजय पुल पर और वहाँ चल के आपको सभी दृश्य दिखाने वाला हूँ। देख सकते हैं संजय पुल पे कितनी अधिक आपको भीड़ नज़र आ रही होगी। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नाई घाट है और नाई घाट के भी यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी श्रद्धालु आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देख सकते हैं मेरे पीछे। और इधर ये है संजय पुल और अगर आप मेरे पीछे देखते हैं तो इधर एक रास्ता जाता है धनुष पुल के लिए, वहाँ भी अभी हम चलेंगे। दोस्तों यहां से आप हर की पौड़ी का सुंदर नज़ारा देख सकते हैं और कितना साफ जल आपको नज़र आ रहा होगा और जल की मात्रा अभी भी हर की पौड़ी पर काफ़ी कम है। और अब मैं आपको दिखाता हूं नाई घाट, यहां से आप नाई घाट के दृश्य देख सकते हैं और एक और आपको थोड़ी भीड़ नज़र आ रही होगी और एक और घाट आपको खाली नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से मैं आपको दर्शन कराता हूँ ब्रह्मकुंड घाट के। और यहाँ पर आप घंटाघर देख सकते हैं हर की पौड़ी का। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।